हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम टैली की एक और एडवांस टीडीएल फाइल के बारे में डिस्कस करेंगे। और ये टैली की काफी लेटेस्ट और एक एडवांस टीडीएल फाइल है। इस टीडीएल फाइल की मदद से आप टैली सॉफ्टवेयर में गेटवे ऑफ टैली में रहते हुए सिंपल एक ही क्लिक में अपनी सारी पार्टी वाइज और आइटम वाइज डिस्पैच रिपोर्ट को देख सकते हैं। इससे पहले जो हम टीडीएल फाइल प्रोवाइड करा चुके हैं उसके अंदर हम अपनी आइटम वाइज रिपोर्ट और पार्टी वाइज रिपोर्ट अलग अलग देखते थे, लेकिन इस टीडीएल फाइल में हम अपनी पार्टी वाइज और आइटम वाइज रिपोर्ट को एक साथ एक ही जगह पे देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं ये टैली की कौन सी एडवांस टीडीएल फाइल है और आप इसको किस तरह से यूज करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे कर लीजिए। आप यहाँ पर रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही यहाँ पर बनी बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको हमारे चैनल पर आई टैली, ईवे बिल और जीएसटी से रिलेटेड लेटेस्ट वीडियो की अपडेट नोटिफिकेशन के थ्रू मिलती रहेगी। तो आइए आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम टैली सॉफ्टवेयर में आ चुके हैं और आज हम यहाँ पे आपको टैली की एक एडवांस टीडीएल फाइल को लोड करके दिखाएंगे। इस टीडीएल फाइल की मदद से आप टैली सॉफ्टवेयर में अपने गेटवे ऑफ टैली में रहते हुए अपनी सभी आइटम वाइज और पार्टी वाइज रिपोर्ट को देख सकते हैं। इससे पहले जो हम आपको टीडीएल फाइल प्रोवाइड करा चुके हैं उसके अंदर हम आपको आइटम वाइज रिपोर्ट देखना बता चुके हैं और पार्टी वाइज आइटम वाइज देखना भी बता चुके हैं, लेकिन इस टीडीएल फाइल में हम इन दोनों चीज़ों को एक साथ देख सकते हैं और वो भी अलग अलग मंथ वाइज। तो आइए हम सबसे पहले इस टीडीएल फाइल को लोड कर लेते हैं जिससे आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो यह हमारी टीडीएल फाइल है जिसका नाम है पार्टी वाइज आइटम वाइज रिपोर्ट। इसको टैली में लोड करने के लिए सिंपल इसको राइट क्लिक कीजिए, प्रॉपर्टीज में आइए और सिक्योरिटीज वाले टैब में आके आप यहाँ से इसके फुल नेम को कॉपी कर दीजिए। इसे कॉपी करने के बाद आप दोबारा से टैली सॉफ्टवेयर में आ जाइए और गेटवे ऑफ टैली में रहते हुए अपने कीबोर्ड से F12 की प्रेस कर दीजिए, जिससे आप कॉन्फ़िगरेशन वाली विंडो पर आ जाएंगे और यहाँ से सिंपल प्रोडक्ट एंड फीचर्स के अंदर आ जाइए। प्रोडक्ट एंड फीचर्स के अंदर आने के बाद यहाँ पर राइट साइड में आपको एक ऑप्शन शो रहा होगा मैनेज लोकल TDL, यहाँ तब सिंपल इस पर क्लिक कर दीजिए या तो इसकी शॉर्टकट की है F4। इस पर क्लिक करते आप TDL कॉन्फ़िगरेशन वाली विंडो पर आ जाएंगे और यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन लोड TDL फाइल ऑन स्टार्टअप, इस पर येस कर दीजिए और नीचे सेकेंड ऑप्शन में आके इस TDL फाइल को पेस्ट कर दीजिए जिसकी शॉर्टकट की है Ctrl+Alt+V। देन आप सिंपल इस TDL कॉन्फ़िगरेशन वाली विंडो को एक्सेप्ट करा दीजिए। इसे एक्सेप्ट कराते हैं देखेंगे कि यहाँ पे हमारी TDL फाइल सक्सेसफुली लोड हो चुकी है। तो आइए देखते हैं TDL फाइल वर्क कर रही है या नहीं। अब इस TDL फाइल का वर्क देखने के लिए आप नीचे की तरफ एक नया ऑप्शन देखेंगे जिसमें लिखा हुआ पार्टी वाइज आइटम वाइज रिपोर्ट। ये ऑप्शन अभी आपकी टैली में शो नहीं हो रहा होगा, लेकिन जैसे आप इस TDL फाइल को लोड कर लेंगे ये ऑप्शन आपकी टैली में भी शो होने लग जाएगा। तो आइए देखते हैं इसको किस तरह से यूज़ करेंगे, या तो आप सिंपल इस पर क्लिक कर दीजिए या तो इसकी शॉर्टकट की है Y। अब जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे यहाँ पे आपके सामने एक नई विंडो ओपन हो चुकी है जिसके अंदर ऊपर लिखा हुआ है पार्टी वाइज आइटम वाइज डिस्पैच रिपोर्ट। अब यहाँ पे आपको आपकी सारी पार्टीज के नेम शो हो रहे हैं, यहाँ पे उनके मंथ शो हो रहे हैं कि आपने किस महीने में कितनी आइटम को सेल किया है। अब इसके अंदर हमें दिखा रहा है कि जो हमारी ब्लैक कैट आइटम है इसको हमने 40 पीस जनवरी के अंदर सेल किए हैं, लेकिन अब हम देखना चाहते हैं 40 पीस भी कौन कौन से हैं। तो सिंपल आप इसके ऊपर आते वैसे एंटर प्रेस कर दीजिए तो आप देखेंगे यहाँ पे हमें ये आइटम वाइज भी रिपोर्ट दे रहा है कि हमने एडकॉम कंप्यूटर 30 पीस और डेल कंप्यूटर 10 पीस यहाँ पे इसको सेल किया है। अब इसी के साथ हम किसी और आइटम को देखते हैं, यहाँ पे हमारे भारत सेल्स, जैसे हम इसको एंटर प्रेस करेंगे यही हमें बताएगा कि आइटम वाइज हमने 30 पीस इसको दिसंबर में सेल किए थे और MI Note 6 इसको 2 पीस जनवरी में सेल किए थे। तो टैली की काफ़ी एडवांस TDL फाइल है। इस TDL फाइल की मदद से ना आप केवल पार्टी वाइज साथ ही आइटम वाइज और मंथ वाइज भी अपनी सारी आइटम की रिपोर्ट को देख सकते हैं।